ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ VCD, CD, MP3 ਤੇ DVD ਦੇ 350 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆਪ ਜੀ ਕੌਲਾ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765-25-860। महापुरुषां अते सिंह साहिबान जी दी आसीस सदका भाई साहब भाई गुरिकबाल सिंह जी अते बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट वल्लों बंदी छोड़ दिवस नु समर्पित 31वां सलाना गुरमत समागम 3 सितंबर तो 2 अक्टूबर तक बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब विखे करवाया जा रहा है। 2 अक्टूबर नु सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक गुरमत समागम होवेगा, जिस विच कवि दरबार, कीर्तन दरबार तो इलावा 13 साबत सूरत लोड़वंद बच्चे बच्चियां दे आनंद कारज भी होंगे। हरेक बच्चे बच्ची नू जरूरी समान तो इलावा 180 लीटर दा फ्रिज भी दिता जावेगा। विशेष बेंती, लोड़वंद साबत सूरत परिवार जिन्ना दे रिश्ते पहला ही आपस विच तय हुए हन, एना नंबरां ते संपर्क कर सकते हन 98765-25-815-25-820-47। वाहे गुरु जी, सो क्यों मंदा आखिए, जित जम है राजा,
प्यार सत्कार विच सारी संगत भिज के आखो सतनाम श्री तुसी हाथ रखना ये नवा प्रकरण आरंभ होया है गुरु ने कराया है शब्द नूं आधार बनाया सो क्यों मंदा आखीए जित जमे राजान बीबीओ तुहाडे बारे बीबियां नूं औरत नूं क्यों मंदा कहना जेड़ी राजियां ते महापुरशां नूं जन्म देंदी है इस प्रकरण का नाम गुरु की कृपा नाल रखिया गया है सिख पंथ दियां सत्कारत बीबियां जिवें जसविंदर भाजी बेनती करदे ना पांच हजारी वाहगुरु कह के वाड़ राज इस तरह ही नवे प्रकरण की बेनती है अंदरों मन नीवा करके किसे शरीर दे खाने विच होमे ना होवे मन नीवा करके मंगते बन के गुरु दे चरणा चों संगत रूपी मां बन के वाड़ लावना कि हे सच्चे पातशाह इस प्रकरण राई गुरु नानक दे घर दा मार्ग एक एक प्राणी तक पहुंच सके जयपुर तो 2 घंटे दा राय हिंडौना संगत आई सारे हिंदू वीर सहिधारी ते कहन लगे भी दरबार साहब अगे भी आंदे सां पर जेड़ा इस वारी आण दा नशा आया प्रकरण टीवी राही सुन के कहिंदे इंज दिल करदा साडियां 2 बेटियां विआह के गुरु रामदास दी नगरी च पक्का ही आ जाई लफज नहीं मैं क्या जिथे है गए उत्थे भी गुरु रामदास जी ने कहिंदे अगे असीं आने सां बस आए गए हुण कीर्तन सुनदे आं ते उठण ते दिल ही नहीं करदा सहजता रही और इन्ना नशा जिहड़ी अरदास सुनी है कहिंदे साडे नाल जयपुर तो 2 घंटे का भी संगतां अटैच ने असीं उह किताब चों 1-2 पेजां की रोज कथा करदे हां जीवन सेधां चों फिर 1/2 घंटा गुरमंत्र जाप करदे हां गुरुद्वारे संस्था बनाई है इन्नी मन नूं ठंड पैंदी है कि लोग बंदे नाल ना जुड़न गुरु रामदास गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुर नाल जुड़ रहे
ਤੁਸੀ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾੜ ਲਾਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਸੜਕ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰ ਕੇ ਵਾੜ ਲਾਇਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜਮ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੀਬੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਨੀ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ। ਯੂਨਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਐਮ ਏ ਨੇ ਭੋਸਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਤੀਵੀ ਨੂੰ, ਤੀਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟ ਜੇਮਜ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਸੈਂਟ ਜਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਪਰ ਬੀਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਖਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ।
बाबा गुरदित्ता जी कौन ने पोतरे गुरु हरगोबिंद साहब दे सुपुत्र माता गंगा जी दे पोतरे हो गए। वो खिडांदे पे बाबा गुरदित्ता जी नूं छेवें पातशाह आ गए अगो माता गंगा जी कहंदे है पुत्र जी आनंद तां आंदा जोड़ी होवे आपको साथ में आनंद तां आंदा जोड़ी होवे। गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे माता जी जोड़ी किन्नू कहंदे हो कहंदे दो पुत्रां दी जोड़ी होवे। गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे माता जी पुत्र ते पंज होणगे आखो सतनाम पुत्र ते पंज होणगे इह आप जी नूं पता ही है। बाबा गुरदित्ता जी बाबा अणी राय जी बाबा सूरजमल जी बाबा टल राय साहब जी धन गुरु तेग बहादुर जी पंज सुपुत्र गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह कहते माता जी सपुत्र ते पांच होणगे पर जेड़ा तुसी कहंदे हो ना जोड़ी रलनी चाहीदी जोड़ी कहंदे ने एक पुत्र होवे एक धी जोड़ी उहनूं कहंदे आखो सतनाम तुसी आ कहो एक बेटी भी होवे वो बेटी केड़ी आई वो बीबी केड़ी आई बीबी वीरो जी आखो सतनाम सिख पंथ दियां सत्कारत बीबियां पर करण उन्हां विच्चों ए बीबी बीबी वीरो जी आखो सतनाम बीबी वीरो जी का धरती ते आगमन होया जन्म होया महाराज कहंदे हुण जोड़ी दे देख लो किन्ना सरसा ते तुसी जिहड़ी बेनती कीती सी ना ये गुरबिलास पातशाही छेवीं जो पढ़ लो किते ना होवे तुसी को भी असी कोलो कह रहे हैं बेनती कीती सी माता जी ने गरीब नवाज सचे पातशाह जी सील खान एक कन्या होवे ओए सील खान कन्या एक होवे सील खान कन्या एक होवे सील खान कन्या एक होवे वाह जगत ग्रस्त वे गोवे पुत्री विच ग्रस्त जगत वे तुहाडा सिर नहीं झुकदा मेरा ते सिर झुकदा भी कैसा साडा पिता दा घर कई जगह ते औरत नूं की किया जा रहा इत्थे कहंदे भी दृष्टि सोभदी तां है दुनिया चलदी ही ते सच्चाई है ना। बाबा नंद सिंह जी नूं धरती ते आके उन्हां दे राहीं लखां दा उधार होया
बाबा जी नु जन्म देन वाली ते कोई मां ही है ना बीबी है। संत अत्तर सिंह मस्तुआने वाले ने किन्या दा आधार कीता, कोई ओ भागा वाली मां ही। सो क्यों मंदा अखिए जित जमे राजा ਵੀਰੋ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ बीबी वीरो जी नू आटा गुनना सिखाया। हाय हाय, माता गंगा जी ने बीबी वीरो बच्ची वीरो छेवें पातशाह दी बच्ची ओनू प्रशादा पकाउना सिखाया। तीजा लिखिया अपनी बच्ची नू पोतरी पुत्री छेवें पातशाह की बेटी माता गंगा जी पोतरी हो गई अपनी पोतरी नू सब्जियां बनाउणियां सी। गल्लां दुनियावी ने गुण ले ना सिखाइया होण ते फिर जाके मेहणे भी बजदे कंप्यूटर भी सिखाओ ये भी ये साडा इतिहास। मैनू यह पढ़ के बड़ी हैरानगी हुई। चौथी गल लिखी है माता जी ने अपनी पोतरी बच्ची वीरो नू मठियाई बनानी सिखाई। आखो साधना। पंजवी गल लिखी है माता गंगा जी ने अपनी पोतरी बच्ची वीरो नू गुरबाणी कंठ करनी सिखाई। दोवें चीजां गुरबाणी भी जबानी कण सब्जियां भी आटा गुनना भी प्रशादे भी मठियाइया भी। पांच होईयां जी। छेवीं गल लिखी है राइटरां ने गुर बिलास छेवीं पातशाही च कहिंदे माता गंगा जी ने अपनी पोतरी वीरो बच्ची वीरो नू इह भी सिखाया कोई घर आवे ते ओदी खेड़े मत्थे सेवा किवें करनी। हाय हाय, बड़ी वड्डी बात है, बड़ी वड्डी बात है। ये साडे आसे सड़क है भी अपनी बच्ची नू नेरा कंप्यूटर वो भी लोड़ है, मेरी एम ए वो भी लोड़ है, लेकिन वो गल ना बन जे लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया वो जिन्ना पढ़ गया पर गुरमत नहीं आई खड़े मत्थे किवें मिलना कहिंदे अंदर कड़दा पिया। आखो साथ पढ़ाइया भी लोड़ ने पर जदों वड्डे इह सिखांदे ऐ साडे लई सिख धर्म सिख पंथ दीआं सत्कारत बीबीआं इहदे चों आ गुण ने और घरां च इह चीजां जाण दी लोड़ है। निरी पढ़ाई सिखाती किसे नू खड़े मत्थे मिलना ना सिखाया ते फिर ओ गल ना बन जे पढ़िया मूर्ख आखी जिस लव लोभ अहंकार कैसा साडा बाबा। जे तेरे अंदर खड़े मत्थे वाली बात नहीं आई महाराज कहंदे तू पढ़िया हुंदियां भी मूर्ख गिणिया जाएगा जे तेरे अंदर हंकार ते लव लोभ है। आखो सतनाम। माता गंगा जी ने अपनी पोतरी वीरो
ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਬੱਚੀਏ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਟੰਡ ਕਰਨਾ ਆਹਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਜਾਓ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਦਿਦਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਸੱਤ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਸੀਸ ਸਤਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 31ਵਾਂ ਸਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱਸਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 180 ਲੀਟਰ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 98765 25815 25820 ਅਤੇ 47